जी पंडित लच्छू महाराज जी को चरण वंदन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद मात्र से हमारे संकल्प को बल मिला और ये संस्था अपना मूर्त रूप दे सकी और आज हमने इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। संस्था का उद्देश्य संगीत का प्रचार, शिक्षा और नए कलाकार जितने भी हमारे बनारस में उपस्थित हो रहे हैं, जो कि सतत रियाज कर रहे हैं लेकिन उनको मंच उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य उन स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है, जिसके तहत हर दो महीने में भटखंडे काशी संगीत विद्यापीठ की तरफ से एक कार्यक्रम रखा जाएगा। छात्र जिनमें जिज्ञासा है उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, जो हम लोग अपनी तरफ से व्यक्त करते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री सिंह की बात जैसा श्याम को दादा कह रहे थे कि साहित्य संगीत कला विज्ञान, तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका शुरुआत अभी तक नहीं समझ में आता, कहाँ शुरू होगा कहाँ हम लोग, ऐसा बहुत सोचा विचारा मैंने, मगर पाप पुण्य का तो इसी तरह जो साधक हैं, जो सीखने वाले हैं, जो अन्य सभी लोग जो संगीत से प्रेम करते हैं, हम लोगों की तो यही परिकाष्ठा है कि हमेशा उससे लगे रहें, हम लोग जुटे रहें, जो हमसे सेवा हो सकती है कांग्रेस को हम लोग करते रहें इस देश के लिए, लेकिन इतना बेचारा देखो कहाँ फंस गया है आगे समय सबसे ज्यादा उसकी चिंता लगी है इस देश का जो ईमानदार आदमी होगा उसका क्या हाल होगा, भगवान ही मालिक होगा, इसी तरह हम लोग भी भगवान ही मालिक है। ज्यादा बोलने की आदत नहीं बाबा, चुप होके अपना काम करने की आदत है। तबला सम्राट पंडित लच्छू महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि वो आज के समारोह में 2 मिनट ले सके पर अपना आशीर्वाद हमें तबला वादक के माध्यम से। यार बोले ना, आप प्रॉमिस कर रहे हैं सितंबर में गुरु जी का तबला मिलेगा, हर हर महादेव होना चाहिए। गुरुओं का सम्मान है और रहेगा।
अभी मुझे बहुत शोक हो रहा था अपने ऊपर कि क्यों मैंने वर्ष 1991 में वायलिन बजाना सीखना छोड़ दिया। और अब हम शीघ्र ही भारतीय काशी संगीत विद्यापीठ की मासिक संगीत गोष्ठी में नए कलाकारों के साथ, नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।